अम्मी तुम भी ना अब मुझे धमकाओगी अपनी बेटी को। पहली बार तो गोट लगी है तेरे मेरे हाथ में, इतनी आसानी से बगसने वाली नहीं हूँ मैं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो बिल्कुल वैसे ही रमशा के साथ भी होना चाहिए तो बोल, मैं कसम खाता हूं एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें साबित करना होगा कि जो कुछ भी तुमने रमशा के खिलाफ बोला है वो सच है, क्योंकि कुरान उठाने के लिए तो वो भी तैयार है। बोलो हाथी, प्रूव कर सकती हो अपनी सच्चाई? हदिया, किसी के सच्चा या झूठा साबित होने से नुकसान तो मेरा ही होगा, मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहता, इसलिए किसी की सच्चाई के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि चीजें पहले की तरह हो जाएं, बस प्लीज मुझे ऐसी आजमाइश में मत डालो जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। माहीन, माहीन कहाँ हो बेटा? अम्मी, अबू, आप दोनों तो। अरे बेटा, वो इनायत आ गया था इसलिए हमें वापस आना पड़ा। कोई फिक्र की बात नहीं। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अबू, यकीन नहीं आ रहा क्या? अच्छा, मगर मैं तो नाश्ता तैयार कर चुकी हूँ। अम्मी, सब ठीक है ना? कहीं फिर से तो? अरे सब ठीक है, तुम दोनों क्यों परेशान हो रही हो? कोई फिक्र की बात नहीं। अच्छा जल्दी से नाश्ता, तो बहुत भूख लगी है, बाद में बातें करेंगे। बस अभी लाए। चलो अभी मैं भी मुंह हाथ धो लूं। जी अगर वो कुरान उठाने को तैयार है तो कहो उसे रखे कुरान शरीफ पे हाथ और कहते कि वो बेकसूर, माफ कर दूंगी उसे। इस तरह तो तुम झूठी पड़ जाओगी। फिर तुम उसे माफ करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता हादिया, अलबत्ता मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। और एक बात याद रखना, हमें दूरियां जरूर आ जाएंगी। फर्क तो मुझे भी कुछ नहीं पड़ता है नायत, क्योंकि तुम मेरे नायत नहीं। नायत की शक्ल में कोई अनजान आ इसे मैं नहीं पहचानती। जाने का तो कपड़ों का, खैरों का नहीं। ठीक, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कल तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। घर जाते ही सबसे पहला काम हम यही करेंगे। लेकिन याद रखना हादिया, कसम तुम्हें भी खानी पड़ेगी। अगर एक कसम खा लेगा तो दूसरा खुद ब खुद झूठा हो जाएगा। अगर मैं भी चल के यही कहूँ कि मैं कुरान शरीफ पे हाथ रखने को तैयार, क्या करोगे तुम? किस पे भरोसा करूँ? बेहतर यही है कि ये फैसला तुम खुदा पे छोड़ो। चली जाती हूँ चुपचाप तुम्हारी दुनिया से। और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। क्यों नहीं समझ रही हो तुम मेरी बात? देखो हादिया, हद होती है हर बात की। माफ कर दो यार, मुझे मत डालो मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में। हाँ, अगर तुम्हारा दिल भर गया तो बता दो। तुम मर्दों को और कुछ नहीं मिलता, जहां कुछ नहीं समझ आता इल्जाम लगा देते। तो मैं क्या करूं और बताऊं मुझे? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है हादिया? और प्लीज ये कसम वसम को बीच में से हटाओ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ हफ्तों में नहीं तो महीनों में रमशा की रुखसती कर दूंगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी फिर से। प्लीज मेरी खातिर कुछ दिन और बर्दाश्त करो, कुछ हफ्ते और बर्दाश्त करो। प्लीज, मैं मर जाऊंगा खुदा की कसम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? कभी गए तो जान से मार देना, तो फिर भी मेरा ही होगा।
उस दिन जब तुम मेरा हाथ छुड़ा कर गए, मुझे लगा तुम कभी मेरे पास वापस नहीं आओगे। मैं जीना नहीं चाहती, भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो वो पल मेरी आंखों के सामने आ जाए, लेकिन मैं सब भुला दूंगी, सब कुछ, अगर तुम कहोगी। दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करें खुशी से, नहीं मैं सबको भुला दूंगी, सबको माफ कर दूंगी। क्या यही वजह आपके मुंह पे आने की, या फिर कोई और बात? यही यही है, भला मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? शाम को वहां जा ही रहे हैं तो तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। और मैं तो कहता हूँ कि तुम दरक्षा को भी फोन करके बुला लो, वो भी एक नजर हादिया को देख लेगी। ना हक मैंने उसको डांट दिया। क्या जरूरत है हॉस्पिटल में इतना मजमा इकट्ठा करने की? जरूरी है ना, इन सब बातों के लिए भी हमें गाने सुनने पड़ेंगे। और वैसे भी दरख्शा को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। और फिर ये बात मत भूलो कि माहीन का ससुराल भी है। अबू वो मेरा ससुराल नहीं है, और मैंने कितनी बार आपसे कहा है। बस मेरे सामने ये बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कि मैं तो कहता हूँ कि मौका देख कर तो दरक्षा से इस मौजू पर भी बात कर लो। ये अचानक आपको क्या हो गया, बैठे बिठाए ये ख्याल कैसे आ गया? तो मुझे डर है कि नफीसा की कही हुई बातें जो हैं वो दरक्षा के दिल में कहीं घर ना कर लें, और बात करने से हमें उनके इरादों का भी पता चल जाए। सुनिए, अगर वो लोग इनकार करते ना तो करते रहे, हमें परवाह नहीं, मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं। और वैसे आफरीन हो आपके ऊपर, एक बेटी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और आपको दूसरी की फिक्र खाई जा रही है। अरे मैं तो इरादे पता करने को कह रहा हूँ, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो बैंड बाजा लेकर आ जाएं। बिना जाओ इसे समझाओ। अब वो आपको किस बात की जल्दी है? अम्मी ठीक ही तो कह रही, कम से कम आप ही को ठीक तो हो जाने दें। आप वो ठीक है तो बात कल होनी है, वो अगर आज हो जाए तो क्या बुरी बात है। तानी देर किस बात की कर रहे हो, वैसे भी आजकल अच्छे रिश्तों की कमी है कहीं। देखो रक्षा के दिल में पहले ही बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। अच्छे, इसमें भी हमारा ही कसूर है। वैसे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो ये जिक्र इस वक्त छेड़ दिया। इस बात से मैं चिढ़ती हूँ आपकी, मौका महल देखते नहीं और बात बोल देते। आपको औलाद के जज्बात का कोई ख्याल नहीं है? हाँ, क्या जरूरत है बात करने की? फिर आपको शिकायत होती है कि औलाद सादत मंदी नहीं दिखाती, आखिर उनकी भी तो बर्दाश्त जवाब दे जाती है ना। अम्मा मैं जा रहा हूं। क्या हुआ अम्मा, आप रो रही हैं? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ ऑफिस, देर हो रही है। मैं समझ गया, कल ने मामू को कॉल, हो सकता है अब वहां के हालात बेहतर हो चुके हों। मुझे नहीं बात करनी उनसे। उनसे क्या, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। तुम चले जाओ यहां से, कोई नहीं है मेरा, तन्हाई मुकद्दर में लिखी जा चुकी है मेरे। यार मैं कॉल कर लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें फोन करने की उन्हें,
मैं यहाँ उनकी दुख और तकलीफ के बारे में सोच सोच के घुली जा रही हूँ और उन्हें लगता है कि जैसे मैं उनकी टो लेने के लिए फोन कर रही हूँ। आखिर भाई ने ऐसा सोचा भी कैसे? आपने फोन किया था? हाँ, बहुत बड़ी गलती की थी मैंने, बात मान लेनी चाहिए थी मुझे तुम्हारी। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। बताएं अम्मी, क्या कहा मामू ने आपसे? मैंने कहा ना तुम्हें हमारे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी वजह से आप तकलीफ में हैं, रो रही हैं और मुझसे कह रही हैं मैं इस मामले से दूर रहूं। क्यों भाई, मुझे बताइए क्या कहा उन्होंने? नहीं बता रही हूं। ठीक है, मैं खुद जाके उनसे पूछ लेता हूँ। बीच में बोलना जरूरी था, चुप नहीं बैठ सकती थी तुम। अम्मी क्या हो गया अब्बू को? तुम्हारे अब्बू भी गलत नहीं है। नफीसा ने नरक्षा के सामने इतनी बुरी बुरी बातें की हैं कि उनका डरना फितरी है। वो डर रहे हैं कि कहीं वो लोग रिश्ते से इनकार ही ना कर दें। तो कर दे इनकार, कोई जरूरत नहीं उनके आगे गिड़गिड़ाने की। मुईज भाई वे कौन से सुरखाब के पर जुड़े हैं, और अगर इनकार करते हैं तो कर दे। माहीन के लिए रिश्तों की कमी तो नहीं? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी वहाँ पे शादी। अम्मी आप फिर से वही बात दोहरा रही हैं, इल्जाम लगा रही हैं आप। माहिन बात समझने की कोशिश करो, इल्जाम नहीं लगा रही, समझा रही हूँ तुम्हें। देखो माहिन, अगर तुम्हें वाकई कोई पसंद है ना तो बता दो हमें, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हारा शरई हक है। देखो हानिया, शरीयत को बीच में मत लाना, अपने मफाद के लिए दीन को बीच में लाना बहुत बुरी बात होती है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे नहीं शादी करनी मुईज से? अब एक बार और नाम लिया ना आपने उसका तो मैं खुद को आग लगा दूंगी। क्या क्या कहा तुमने? हाँ एक बार फिर बोलो, क्या कहा तुमने? क्या करोगी तुम खुद को? हाँ बताओ मुझे, बोलो किस तरह तुमने कहा ये? खुद को जलाओगी? किस तरह की बातें मुझे निकाल रही हो? पागल हो गई हो? तुम लोग मेरे वजूद का हिस्सा और मेरे वजूद को तकलीफ कैसे दे सकती हो? किसने इजाजत दी है बताओ मुझे, कैसे सोचा तुमने? क्या हो गया आपको? वो तो पागल है। कैसी बातें करेंगे? उसको आग लगाएगी? कैसे सोचा तुमने ये बात मुझसे निकाली कैसे तुमने? इसे सोच भी कैसे लेंगे? कैसे सोच लिया कि खुद को आग लगाएगी? हाँ सोचा कैसे तुमने ये? अम्मी छोड़ दीजिए, क्या हो गया, होश नहीं आई। अरे अरे मेरे सामने कह रही कि खुद को आग लगाएगी, पागल हो गई है। भाई भाई अम्मी देखो, अरे अम्मी संभालो खुद को प्लीज। क्या कह रही है ये? कह रही है कि खुद को आग लगाएगी। हाँ जी तुम पानी लेकर आओ प्लीज। अम्मी बैठे बैठे आप बैठे आप, जल्दी लेकर आओ यार। मेरी गल चुकी है अम्मी, प्लीज चुप रहो। देख के जीती हूँ मरती हूँ और ये आग लगाएगी खुद को? अम्मी प्लीज, अरे मैं तुम्हारी जान ना लूँगी, हटा से। ठीक है कल आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, पहले की नस्बत काफी बेहतर है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखिएगा, इन्हें किसी भी सूरत में पसीना नहीं आना चाहिए। जी, और हाँ एक हफ्ते बाद इनको ड्रेसिंग के लिए लेके आना होगा। जी डॉक्टर साहब। सिस्टर मैं कुछ दवाएं लिख के दूंगा, वो इनको लाके दे दीजिएगा। अरे मैं एक चीज तो पूछना भूल ही गया डॉक्टर साहब से, अभी आता हूँ। की वहां पर रोज रोज के मरने से तो अच्छा कि इंसान एक ही दिन अपनी जान दे दे। यार माहीन खुदा का नाम है बस कर दो, अम्मी की हालत देखी है तुमने, और तुमने अभी भी वही रट लगाई हुई है। चाहती क्या हो तुम? एक ना एक दिन ये तो होना ही था, और जब मैंने मना किया है घर वालों को कि मुझे मुईज से शादी नहीं करनी तो क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, तो यार अम्मी भी तो वही बात करने गई थी ना, लेकिन तुम्हारा बात करना लाजमी था वहां पर। और अगर तुम्हें बात करने का इतना ही शौक है ना तो जाकर अब्बू से करो, ठीक है? ये ख्याल बैठे बिठाए अब्बू को आए अम्मी को नहीं। कहाँ जा रही हो? अब्बू के पास। बैठ जाओ यहाँ पे।
ये वक्त बैठने का नहीं है हानिया। अगर मैंने अभी अबू से बात नहीं की तो वो पप्पू से बात कर लेंगे। मसला क्या यार, कभी फैजान भाई का दौरा पड़ जाता है, कभी तुम शुरू हो जाती हो। पता नहीं कब सुकून मिलेगा हमें। अम्मी वही है ना, यही बात करने गई है, और अभी अब्बू के दिल से वो सारी बातें नहीं निकली, तुम अपना फसाना शुरू कर रही हो। बैठ जाओ यहाँ पर चुप करके। मेरे मुतालिक बात हो रही है इसलिए मेरा वहाँ जाना जरूरी है। यार पागल हो गई तुम, क्या हो गया? चिल्लाओ नहीं, चिल्लाऊंगी मैं। समझ ही नहीं आ रही, कब से समझा रही हूँ मैंने। तुम पर बीत रही होती ना उस वक्त मैं तुमसे पूछती, उस वक्त तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा होता। यार माहीन, अंदाजा मुझे अभी भी है, एहसास है मुझे, मैं गैर तो नहीं हूं ना। देखो ये बात करने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। तुम सुबह भी तुम्बी से बात कर सकती हो ना। चलो अब रोना बंद करो, आंसू साफ करो, मैं देख के आती हूँ कि बाहर क्या बात होगी। ठीक है, क्या हुआ इतना टाइम लगा दिया? क्या कह रहे थे डॉक्टर? नहीं कुछ भी नहीं। तुम्हारे चेहरे की परेशानी बता रही है, कोई बात है बताओ। अरे नहीं कुछ भी नहीं, अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें बता देता ऑफ कोर्स। अच्छा हादिया तुम वादा करो तुम नाराज नहीं होगी? नहीं होगी, बोलो। हादिया मैं चाह रहा था कि तुम एक हफ्ते के लिए मैके में रह लो, जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होगा मैं पुराना से एसी ले लूंगा। तुम तो जानती हो ना घर में कितनी गर्मी, और डॉक्टर साहब क्या कह गए वो तो तुम्हें सुन ली। इनायत मैं वहां नहीं जाऊंगी। हादिया प्लीज सिट मत करो, मेरी मजबूरी को समझो। मैं नहीं जाऊंगी और अब तुम मुझे मजबूर नहीं करोगे। तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, प्लीज समझो कि मैं क्यों कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तुम्हारे सफों पे थोड़ा सा भी पसीना आए तो वो खराब हो सकता है। देखो अगर पैसों का बंदोबस्त पहले हो गया ना तो मैं तुम्हें फौरन लेने आ जाऊंगा विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। इनायत मैं वहां से निकाल ही गई हूँ, मैंने कसम खाई थी कि मैं दोबारा कभी वहां नहीं जाऊंगी, तुम मुझे वहीं भेज रहे हो। आदिया अब तुमसे क्या नाराज किया? नाराज नहीं हूँ मैं, नाराज होती तो मिलती भी नहीं उनसे। लेकिन यह बात मेरी कसम की इनायत, मैं वहां नहीं जा सकती। मैं वहां जाऊंगी तो मुझे वो सब दोबारा याद आ जाएगा, मैं बस यही सोच के पछताती रहूंगी कि शायद शायद वो मुझे रोक लेते तो ये सब कुछ ना होता। तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए उनका नहीं। तुम साथ होके तो मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी। क्या हुआ तुम कुछ बोल नहीं रहे? हादिया मैं तो ये कहूंगा कि तुम एक हफ्ता वहीं रहो। पूरा हफ्ता? वो मैं एक मेडिसिन लाना तो भूल ही गया था, बस अभी क्या और लेकर आ। ओके बड़े भाई हैं वो मेरे, डांट सकते हैं मुझे, और कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है इतना। मैं फिर तुम्हें यही कहूंगी, हमारे आपसी मामलात में तुम दूर ही रहो तो बेहतर है।